छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है, 3 महिला और एक पुरुष की मौत, घाटी से गिरी कार। कवर्धा, आज तड़के एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मारुति इको कार अनियंत्रित होकर पोलमी घाटी में 50 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। मृतकों में 3 महिला और एक पुरुष शामिल है। हादसा उस वक्त हुआ जब इलाहाबाद से अस्थि विसर्जन कर एक परिवार के सदस्य वापस लौट रहे थे। हादसा तड़के 3 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा के रहने वाले एक परिवार के 8 सदस्य इलाहाबाद अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए थे। अस्थि विसर्जन के बाद आज सुबह जब वह वापस लौट रहे थे, तभी कुकदूर के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की रायपुर ले जाने के दौरान मौत हो गई। घटना पोलमी आगरपानी घाटी में घटी है। मृतक फागु यादव पिता कार्तिक उम्र करीब 60 वर्ष साकिन कुसमी बेमेतरा, सती बाई पति चोवा राम यादव उम्र 35 वर्ष करीब साकिन दामाखेड़ा सिमगा, कौशल्या पति स्वर्गीय भादु राम उम्र 70 वर्ष साकिन कुसमी थाना बेमेतरा, मालती पति राधे 45 वर्ष साकिन भनपुरी रायपुर का रहने वाला बताया जा रहा है।